हाँ अभी हाथ भी नहीं टच किया जा रहा। शना आओ ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस मेरे जो कल मैंने उनको बोला था ना ये डार्केस को लाइट कर दो, तो उसके लिए भी उन्होंने वो जो किया उससे मेरी आईज काफी स्वेल्ड हो गई है। मैं अभी जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ, आप आके देखना, आपको दिखेगा। और आज शोना बना रहे मेरे लिए छोले चावल, क्योंकि को छोले बहुत पसंद है। और मेरी आंख अभी दिख रही होगी इन लोगों को, हाँ शक्ल ही चेंज हो गई है, मन ही नहीं कर रहा है आप लोगों के सामने आने का, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसे देख के बोलोगे अरे दीदी पहले भी हुआ था फिर से, पर इस बार इतना कुछ ज्यादा नहीं है, 3 डेज में नॉर्मल। नहीं मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम से ज्यादा है अबकी बार। अरे नहीं यार। अरे हाँ सच में मत डराओ मुझे। नहीं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे को लगा लास्ट टाइम से ज्यादा आपकी बार। अच्छा तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। और गाइस ये इसलिए हो गया क्योंकि किसी बार बार एक दो कमेंट ही आते थे डार्क लग रही, तो मैंने कहा इसको लाइट कर। मैंने इनको कल ही बताया था कि आप दी इनको ये बोलोगे ना कि दी आप पे ये अच्छे लगेगा और इस तरीके से आप ट्राई करो, ये 100% ट्राई करेंगे, और इन्होंने वही किया। मैंने लाइट कराने के चक्कर में फिर से स्वेलिंग करा दिया, पर कोई नहीं, आइस पैक लगाएंगे और वैसलीन लगाते रहेंगे और एक दो मेडिसिन है वो खाते रहेंगे और 3-4 दिन बाद सही हो जाएंगे। अब देखो मैं इस कंडीशन में तो मराठी लुक करने लायक ही नहीं हो पा रही हूँ, बट अगर शाम तक कुछ मुझे लगा रिलीफ है तो करूंगी, नहीं तो फिर ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ, हैप्पी मतलब मैं खुश भी हूँ, मेरे को हंसी भी आ रही है और मेरे को दुख भी हो रहा है। दुख ये हो रहा है कि इनकी बिल्कुल जो आईज है ज्यादा ही स्वेल्ड हो गई है, अब क्या कर सकते हैं शोना। पर कोई नहीं, मैं ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं ना, से शर्माया मत। मैंने ये कहाँ बताया कि मैं खुश क्यों हूँ? क्यों मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतना हैप्पी हूँ कि इनकी आई स्वेल्ड है, इनसे काम नहीं किया जा रहा है, फिर भी वाल मेरे लिए बना रहे हैं छोले चावल। यार मैं भी इनके सहारे खा लूंगी और आज मेरी आवाज रहेगी साहिल डांगर सामने जाओ यार। एक इसको देख लो भाई, इसको दुनिया का सबसे ज्यादा दुख किसी को है बस, और किसी को नहीं है। कल सोते सोते मुड़ गए ना तो उधर से दुख रहा है। कर लो ठीक कर रही होगी गाजर ना, ठंड लग रही होगी। चलो कर लो आशुने से पानी डालो और छोले अपने भिगो दिए ना, देखा और जो जो मैं आपको बताते जा रहा ना वैसे वैसे रेसिपी बनाते जा रहा और फटाफट बन जाएंगे फिर छोले। ये बोल के कि फटाफट बन जाएंगे छोले। ये देखो गाइस पहले इसको ऐसे ही लाओ फिर। कितने सीटें लगवानी है सर? तीन लगवा दो सर। चुप हो जाओ, 3 सीटियां मैंने बनता ही। मैं यहीं ले आई सब उठा के, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी यार। थकते जाओगे शना, मैं आज अलग से डाल के ही नहीं लाई। आज छोले चावल बनने में टाइम भी ज्यादा लग गया। इसी पे डाल दूं तो ये मेरे डाल रही है? हाँ ब्लॉग देखने लग गई थी काजल का और मुझे ध्यान ही नहीं रहा गैस पे रखा हुआ है। ये लो टेस्टी खुशबू अच्छी आ रही है। ये लो काजल आपकी लस्सी। चार भी रखा है, छोले भी है, यहीं ले आई भाई। पानी आ रहा है ना, बहुत ज्यादा। लो मेरे डाल दो फटाफट। ये क्या किया शना आपने? सब कुछ हटा दिया। मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप बीमार होते हो तभी जरूरी होता है आपको। ना वो ये सब सेट कर दिया आपने? कर रही हूँ यार, बहुत कुछ मिल रहा है। इतनी सारी वाइन की बॉटल इनविटेशन में आती है, किसी को गिफ्ट कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। इन्होंने गाइस मुझे हायर किया है। चलो बहुत बढ़िया। चलो कैसे देखने के लिए कुछ तो बोल दे। इसने क्यों रखा है? काजू गेट ही खोल दो, मेरे को तो वैसे बिल्कुल बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है। रुक अपना मुंह पड़वाती हुई जाऊं आगे तक। मैं सब खोल दूं, बंद कर दो। आओ आराम से आओ। क्या ही कर रहे हैं ना? मेरे को लग रहा है दिवाली की शॉपिंग, दिवाली की वो सफाई करने की नीड नहीं पड़ेगी अब के बारे में। हाँ दिवाली की शॉपिंग की नीड नहीं पड़ेगी। यार मेरे को सीढ़ी दिखनी भी तो चाहिए। अरे ऐसे ही फेंक दो, हट जाओ अंकल। और मैं सच में फेंक देता हूँ अंकल के ऊपर ही। मैंने अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जलाई है, घर की वाइब्स ही अच्छी हो गई, सो पॉजिटिव।
ये गाइस इतनी फेवरेट चॉकलेट थी, मैं पता नहीं कैसे कैसे करके सोना के लिए ले गया कैसे दुकानों में मिलने और ये खाते नहीं है चॉकलेट, इनविटेशन में से निकली है ये, इनविटेशन वाली है जो डब्बे पैक गलती होगी, मुझे मिलते नहीं थे आज मिल गए। और ये चॉकलेट खाते नहीं है पता है इनका, ये इकट्ठे करके रख लेते हैं जो तू ढूंढ रही थी कि मुझे वो बोल। अरे ये री वो लिप्स, तेरे को पता मैं कितने पैसे जोड़ जोड़ के इतनी महंगी लिपस्टिक लाती हूं। ये वाली तो मेरी है, वो वाली तेरी थी, इसको ही बाहर निकाल। अरे ये पूरा डब्बा निकाल रही हूं ना, ये देख ये एक्सपायरी बेटा अभी जो हमने उस दिन अपनी इयररिंग ढूंढे थे सब निकल रहे हैं। ये देख कॉम ला रहे हैं नए नए खरीद के। चलो एक्ट टू पॉपकॉर्न एक्सपायर नहीं है, काजू खा लेती है एक्ट टू पॉपकॉर्न। मैं नहीं खाती साहिल, आप ही खाना है एक्ट टू पॉपकॉर्न। ये देख तेरे बैंड सब यार, ये देख थिनर काजल, ये डब्बा यहीं रख रही हूं काम कर। थिनर को तो तूने ऐसे दिखाया ज्यादा वो करती हो, क्या कहते हैं उसको, नेल पेंट क्लीन रोज। सारी चीजें एक तरफ काजल, मेरे और पापा का फोटो एक तरफ, देखियो यार ये मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। और पन्नी से साफ कर रही है, टिश्यू है यार। अच्छा जा इसको टेबल पे रख दिया, मैं भूपी के पास जा रही हूँ। रख दे पापा और मैं इधर रख देते हैं। गाइस इसने मुझे इस पे कलर करने के लिए दिया था, मैं इसको कह रही हूं मत दो ये मेल्ट हो जाएगी पूरी। पर तुमने कितना गंदा कलर कर दिया, अरे कच्ची मिट्टी की है। अरे लो भाई चलो मेल्ट हो गई। हो गई सही बता। हाँ ये देख ना नीचे क्या निकल रहा है, ब्राउन कलर मिट्टी निकल रही है। अरे खत्म कर दी कुल लग। अब कलर करिए इसको, ड्रायर से सुखा ले। झंझट है काजल, पर मैं खा नहीं सकती। और यहाँ भी पूरी वीडियोस हमारी स्लो मोशन में बन गई थी। यहाँ काजल इसका कलर कर रही थी लेकिन इससे ये टूट गया, क्योंकि ये मैंने जो पानी से इसको वॉश किया था उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट हो गई मिट्टी और ये पूरा टूट गया। तो हमने सोचा कि इसके अंदर हम फिर मनी प्लांट लगा देंगे और इसको गमला बना देंगे। उसके बाद इसने थोड़ी सी मिट्टी खा ली और हमें पता भी नहीं लगा। साहिल यहाँ पर हंस रहे थे इसको देख कर, इसने ये मिट्टी बचा के रखी थी बार बार इसको सूंघने के लिए, तो मैंने इसको फेंक दिया। उसके बाद काजल ने ये कलर किया है और मुझे नूडल्स मिले थे और अभी ये दोनों फाइट कर रहे थे क्योंकि ये एक ही पैकेट था कि ये मैं खाऊंगी और साहिल बोल रहे थे कि ये मैं खाऊंगा, तो मैंने बोला चलो आप ऑर्डर कर लो आज सब ये ही खा लेंगे। और सफाई करने के बाद मुझे अपने एक बॉक्स में इतनी सारी ड्रेसेस मिली जो मुझे मिलती ही नहीं थी, तो मैं काफ़ी खुश हो गई और सफाई करने का थोड़ा बेनिफिट मुझे मिला। काजल ने ये फाइनल इसका कलर किया और ये ऐसी बन गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काजल ने पूरी जो नूडल्स बनाई थी वो सोफे पर गिरा दी और उसके बाद फिर वो खुद ही क्लीन भी कर रही थी, पूरा सोफ़ा उसने गंदा कर दिया। ये भी टूट गया, आज का कुछ है ये तो फेंकना पड़ेगा, कहाँ से टूटा घर में रखते नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा था, मम्मा ने दिया था ये, पता है सब टूट गया। एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो काजल ने मैगी किससे क्लीन किया है, हैंड टॉवल से, और मुझे यहाँ चोट लगी है देखो। सुना आप देख के करा करो बेबी काम, यार लग गई पता नहीं। आज सुबह से ही कुछ हो रहा है आपके साथ, कुछ नहीं हो रहा है, बस ये मुझे ये हो रहा है मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाई, मुझे मराठी लुक करनी थी। आप ही देख दिखा लो काम दिखा रहे हो, मैं मराठी, आप इतने कॉन्शियस क्यों रहते हो घर में, मुझे एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और आ जाओ आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो हमारा राशन जो हम लेकर आते हैं यहाँ मैंने लगा दिया, परफेक्ट सेट कर दिया, सही लग रहा है ना। ये यहाँ पे ये कर दिया है और यहाँ पे जो पार्सल्स आएंगे उसका एरिया भर तो गया है वैसे ही, पर कोई नहीं। आप तो रियल में घर की लक्ष्मी जैसे हो बिल्कुल, कि परफेक्ट सब कुछ सेट। एक चीज और, ये आपको खानी है और तब तक ये फिनिश नहीं होगी, कुछ भी लेकर नहीं आने, देखो कितने सारे ये आपको दूंगा मैं उसमें फ्रेंच टोस्ट में लगा के ना, पर ये खत्म करने हैं नहीं अभी, मतलब कुछ मेरे को लगता नहीं काफी टाइम तक राशन की नीड पड़ेगी हमें। नहीं है पहले ये खत्म होगा तब लेकर आएंगे। और अभी ये भी करना बाकी है, बीमार नहीं हूँ, क्या करूँ आप बताओ, मैं ऐसे बोर हो रही थी, अपने घर की सफाई भी बहुत जरूरी है और किचन की तो सबसे ज्यादा। अभी आप देखना कितने खुश हो जाओगे, देखो मैंने ना ये देख रहे हो आप, ये अभी क्लीन करना है, ये पता है किससे होता है, इस गैस की वजह से। पर हमने सेट कितना अच्छे से किया है, सब अच्छे से कर दिया ना, थैंक यू।
यार आज पूरा दिन गाइस ऐसे ही निकल गया है काम काम में, और ये खाली है ना अभी खोलना? अभी ये खाली है, ये वाला भी खाली है। मैंने स्टोरेज बॉक्स बनाया है, अभी रखूंगी इसके अंदर। ठीक है, सब निकाल दिया है और ये सब लेके जाना है हमें। यार ये देखो, आज मेरे को आप ये बताओ, पहले ये देखो साहब, ये क्या हो गया? ये हमें नहीं पता, सीलन आ गई है। यहाँ पे व्हाइट वॉश कराएंगे, दिवाली के टाइम पे करा देना। अब मेरे को बताओ कि आपको क्या खाना है आज? नूडल्स। नूडल्स वही जो हमने मंगाए थे। और इन सबको बता दो कि सारी क्लिप हमारी स्लो मोशन में बन गई है। गाइस हमारी सारी क्लिप्स ना स्लो मोशन में बन गई, मुझसे ऊपर वाला बटन क्लिक हो गया गलती से, और मैं जितना व्लॉग किया ना आप मानोगे नहीं, सारा स्लोमो। तो उसमें आपने मेरी आवाज सुनी ली है वैसे, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी नूडल्स खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं, काफी थक गई हूँ, ये और निपटा के आ जाऊँ उसके बाद मिलती हूँ। ठीक है चलो। किचन को इतना अच्छे से ब्यूटीफुली सेट करके शोना गए शार्ले ने, और मैं उनके लिए मैं बना देता हूँ गर्मा गर्म मैगी। ये बनती कैसे है उसकी रेसिपी बताता हूँ मैं, और इसमें नॉर्मल ऐसे ही डिप कर दो। तो अब ऐड कर देते हैं इसमें सूपी स्पाइसी बेस इनका, कलर बिल्कुल चेंज हो गया स्पाइस, और लास्ट में ऐड होने वाली है वेजीज वेजिटेबल। क्या बना रहे हो साहिल? आप पागल हो क्या? ये क्या पहन के बना रहे हो? मैगी? नहीं मैगी नहीं, आपकी कसम यार, मैं दिखाना एक बार, बहुत डर लग रहा है मम्मी कसम, बहुत डर लग रहा है, झूठ नहीं कह रही। आपके चैनल पे? साहिल आपकी कसम बहुत डर लग रहा है, काजल को डरा है, है? साहिल साहिल प्लीज आपको मेरी कदम में बेबी उतार दो, बेबी जी प्लीज उतार दो, बेबी जी मेरे सामने मत पहनना, वो ब्लर हो गए आप। ये तो सच्ची में बहुत डेंजरस था, ये वो था ना जो एक मूवी में था। कौन से नूडल्स? ये स्पाइसी नूडल्स आपके लिए। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जैसे अभी इसमें नूडल्स आएंगी, ये हमेशा ऐसे दी जाती है। ओह नाइस, ठीक है गाइस देखना छोटी छोटी चीज़ें आज मैंने इतनी अच्छे से की है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं, अभी और कल करूँगी। डेकोरेशन का सामान बहुत सारा मिल गया है मुझे, और अभी बस मुझे ये खाना आ रही हूँ। यार अब पागल हो गया, दोनों बार मेरे किचन में भी डर गई थी और अब फिर डर गई। भाई इतने तगड़े जो तू कर रही थी ना वही साहिल मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने भी कर दिए कैंसल। मैं अपने कैंसिल कर देती हूँ, कोई नहीं। सेम क्या साइज मंगाया है? 4.5। हाँ जो मुझे शूज चाहिए थे, मतलब जॉर्डन सी है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर वो बाहर अवेलेबल है। और मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि जो बाहर रहती थी पहले, उसने बोल दिया कि वो नाइकी स्टोर गई थी और वहाँ पे वो आ गए, और मैंने उसे पैसे भी भेज दिए और वो शूज आने वाले हैं। तो मैं पागल हो रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू। सो गाइस फाइनली आज सुबह से शक्ल दिखाने लायक नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, पर फिर भी बता देती हूँ कि ये ऑरेंज कलर हो गया है, स्वेलिंग हल्की हल्की ठीक हो गई है, इसमें पेन है। तो ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है, ताकि वो जो डार्केस्ट आपको लगती थी अब बिल्कुल नेचुरल कलर लगे। पर मुझे ये नहीं पता था प्रोसीजर ऐसा होता है कि ये ऑरेंज दिखेंगी। तो फाइनली जो मेरा टाइटल था ना कि मैंने आईब्रोज में कलर भरवा दिया, वो ये था, भर गया, देख लो। तो अभी हम नूडल्स खाएंगे, और आज का ब्लॉग आपने देखा कि हमारा डेली जो रूटीन था आज वही सब आपको दिखाया है, और सब कुछ स्लोमो हो गया, सब कुछ स्लो मोशन में ब्लॉग बना। आप मानोगे 60 मिनट का ब्लॉग है, क्योंकि वो क्लिप्स है स्लो मोशन। अब मैं इसीलिए उसमें वॉइस ओवर डाला है मैंने, ताकि आप लोग समझ पाओ कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कल तक ये और ज़्यादा ठीक हो जाएंगी, तो फाइनली मैं मराठी लुक वाला जो अपना है वो कर पाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी काजल का देखकर, तो अगर ये कल ठीक होगी तो कल पक्का करूँगी, और कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय।